Hi guys, welcome back to my channel. I am Aashika Kothari. So what's up guys? आज मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर. अलग ही खुशी है मेरे को सच में. वैसे तो मेरा प्लान कैंसिल हो रहा था बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक दो काम है, उसकी वजह से डेट्स शिफ्ट नहीं हो रही थी. बट आई रिक्वेस्ट देम कि प्लीज शिफ्ट कर दो. जो हो गई है डेट्स शिफ्ट और मेरा प्लान बन चुका है. आई एम गोइंग फॉर 2 डेज. मेरे नाना की बरसी है इसलिए मैं जा रही हूँ. सब लोग जा रहे हैं घर में, पापा नहीं चल रहे, बाकी सब जा रहे हैं. सो यस, मेरे को अभी पैकिंग करना है. मेरे को बहुत सारे काम है, मैंने कुछ भी नहीं किया है. कल मैं करने वाली थी बट मेरे को व्लॉग बनाना था, आप लोगों को सबको लेके चलना था. सो यस, इसलिए मैं आज ही कर रही हूँ सब. अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock और मैं जा रही हूँ स्लीपर बस में. वो है 4 o'clock की, सिर्फ 4 घंटे है और बहुत सारे काम है. तो अभी मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगी, हम शुरू करते हैं हमारी पैकिंग और जो थोड़े बहुत काम है वो सब करते हैं. ओके गाइस, पैकिंग करने से पहले एक काम खत्म करना है हम लोगों को. नवरात्रि को हो गए 4 दिन खत्म हुए हैं बट मैंने अभी तक आउटफिट नहीं दिया है नवरात्रि का. मैं पता नहीं यार, 4 दिन मैं रेस्ट ही कर रही थी एंड आई फॉरगॉट. तो मुझे उनका कॉल आया है कि भैया आपका आउटफिट नहीं आया है. सो यस, अभी मैं पहले आउटफिट देती हूँ. और गाइज वेदर बताओ, आज इतनी बारिश हो रही है ना, मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है. मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कल से हो रही है. तो अभी मैं फटाफट पहले ही आउटफिट देती हूँ, ठीक है. ड्रेस मैं दे चुकी हूँ, हर जगह इतना पानी भरा हुआ है ना बारिश के कारण. तो अब बस घर पहुँचते हैं और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ. मैंने ट्रॉली निकाल दी है और अभी बस यही निकाली कपड़े. मुझे नहीं पता है कि क्या ले जाने, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ बट स्टिल हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या पहनेंगे वहां पे. तो अभी पहले मैं कपड़े निकालती हूँ, सॉर्ट आउट करती हूँ चीजें और फिर हम पैक करते हैं. गाइज मैंने कपड़े निकाल दिए हैं, एक दो एक्स्ट्रा ही रखे हैं कहीं जाना हुआ तो, या एक्सटेंड कर लूँ मैं अपना प्रोग्राम. सो यस, अब फटाफट इसको डालते हैं अपनी ट्रॉली में. गाइज दिस इज द ड्रेस जो मैं पहनने वाली हूँ नाना की बरसी पे. कुछ भी आयन भी नहीं है यार, अब मुझे वहीं पे ही कराना पड़ेगा क्योंकि अब तो टाइम है. इसलिए एक दिन पहले पैकिंग करनी होती है हमको बट मैं लास्ट मिनट पे कर रही हूँ. वैसे तो मैं कभी लास्ट मिनट पैकिंग नहीं करती हूँ बट आज इस बार हो गया. सो यस, आई एम डन विद माय पैकिंग. अब थोड़ा बहुत जो मेकअप है मुझे वो डालना है, वो डाल. गाइज पैकिंग हो गई है डन, सिर्फ 15 मिनट की पैकिंग थी, झटपट हो गई है और अंधेरा हो चुका है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है. हमने अभी तक झंडा भी लगा के रखा है. नाइस, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है. सो मैं अभी करने वाली हूँ लंच. और मेरे को एक और बात बतानी थी कि वहाँ पे है ना जहाँ मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ बाड़मेर. आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा बट जिन्हें नहीं पता है वो एक टाउन है राजस्थान में. सो वहाँ पे ना ट्रेन जाती है, वहाँ पे है रेलवेज की सुविधा बट एक ही दिन जाती है जो कि है फ्राइडे और आज हो रहा है सैटरडे. हम एक दिन बाद जा रहे हैं इसलिए हम बस से ट्रैवल करने वाले हैं. वैसे बचपन से ही हम लोग स्लीपर बस से ही जाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, आदत हो चुकी है अब. और बहुत ही मज़ा आता है यार, ऐसे ऊपर वाली सीट होती है चढ़ के जाने का, बहुत मज़ा आता है. सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ व्लॉग में, अभी पहले मैं करती हूँ लंच. गाइज यहाँ मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और यहाँ पे बन रहे हैं पराठे सफर के लिए. मम्मी मुझे बता रही है आलू की सब्जी कैसे बनानी है तो मैं फटाफट बना रही हूँ. गाइज हमारे सारे लगेज आ गए हैं बाहर, अब जाने की तैयारी है. टाइम हो रहा है 4 o'clock और बस अभी हम लोग 15-20 मिनट्स में कुछ निकलने वाले हैं. सो एक्साइटेड. मैंने आप लोगों को बताया पापा नहीं चल रहे हमारे साथ, पापा कॉफी पीने में मग्न है इधर. और पापा बोल रहे हैं मन कैसे लगेगा, मन कैसे लगेगा, मन लग जाएगा आपका, आपके तो मजे है इधर 2-3 दिन. नहीं भाई, तेरी मम्मी के बिना मन नहीं लगता. और हमारे बिना आपके तो है ही, आप लोग तो हो पर मम्मी भी चाहिए ना. सही बात है. और मम्मी तो जा रही है लंबे वैकेशन पे, वो जा रही है 10-12 डेज के लिए.
हमारे तो मजे होम अलोन पार्टीज करेंगे हम लोग इधर। और पापा आप है? जल्दी बुला लोगे मम्मी को? हम भाई पार करेंगे और क्या। चलो चलते हैं, बस अभी चाय नाश्ता हो रहा है और फिर हम जाएंगे। अब यहाँ पे आ चुकी है मेरी कॉफी गाइस। आपको पता है मैंने वापस भाभी को भेजा अंदर कि वापस आओ मेरे व्लॉग के लिए। वाओ बहुत ओवरफुल कॉफी है यार ये तो। से मम्मी नहीं आई है मेरे वीडियो में, जो कि मेन खल खिलाड़ी है हमारे घर की। ये सुबह से काम कर रही थी दिवाली की सफाई। फाइनली दिवाली की सफाई हो चुकी है मम्मी, अब आप टेंशन फ्री हो? फ्री एकदम। अब आप नानी के घर जा रही हो? नानी के घर जाके 10 दिन आराम से रहूंगी, नो टेंशन। पीछे बहुरा नहीं है मेरे काम करने। मस्त खाएगी पिएगी, मैं तो नानी के घर खाऊंगी पीऊंगी मजे करूंगी, पीछे बहुरा नहीं है मेरा, सब काम संभालना। हाँ, नो टेंशन, नो टेंशन। और पापा हमको ड्रॉप करने के लिए आ रहे हैं, कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे बस स्टेशन। बहुत मजे आने वाले, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मम्मा आप हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। माँ से मिलने के लिए। सारी सीट गीली है तो हम लोग चेंज करवा रहे हैं गिद्दा। हमने उनको बोला है कि प्लीज हमारा गिद्दा चेंज कर दो, क्योंकि पूरी रात निकालनी है तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। गाइज बस रुकी है कोई ढाबा पे तो हम वहाँ जा रहे हैं। सॉरी बैड लाइटिंग्स है इधर, मेरे को तो बहुत जोर से वॉशरूम आई है। बस में यही लफड़ा हो जाता है यार कि टॉयलेट कैसे जाए हम लोग। हाँ अब रुकी है तो हम लोग फटाफट जा रहे हैं। वैसे कुछ खाना है नहीं, खाने का सारा सामान है मेरे पास, अभी डिनर करना भी बाकी है। यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है। सेशन था हम लोगों का, इतनी गॉसिप की है बाप रे, मजा ही आ गया। और आइसक्रीम हमने पहले ही खा ली डिनर के पहले, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था ढाबा से कुछ तो खाना ही था। खाना नहीं खाया क्योंकि खाना हम लोग साथ में ले रहे हैं। ऑल्सो मैंने जो आलू की सब्जी बनाई थी वो बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि व्हाट आई ईट इन अ बस वाला वीडियो अलग से आने वाला है, जो कि शॉर्ट्स पे अपलोड होगा, तो आप वहाँ पे चेक करना। और मम्मी अभी फोन चला रही है। That's it, that's my compartment. यहाँ पे मम्मा और मैं हैं, वहाँ पे जूते चप्पल की है, सबके अलग अलग सीट है। और कल मैं पहुँचने वाली हूँ 6:37। बहुत जोर आ रहा है यार, इतना सुबह उठना पड़ेगा, बट यस उठना तो पड़ेगा ही। और दैट्स इट। और मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है तो मुझे सोना ही पड़ेगा, मतलब मैं क्या ही करूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा ना, मेरे फ़ोन में गेम्स वेम्स हैं तो।
जाने के लिए क्योंकि वहाँ पे हमको नानी मिलेगी। न्यू हाउस फर्स्ट बार आए हैं। वेलकम। अरे वाह गाइस, मैं अब आप लोगों को बाद में हर एक मेंबर से मिलवाने वाली हूँ। सो अभी के लिए मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। नानी गई हुई है मंदिर, नानी मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।